बताओ। दूध वाले को पैसा दिया आपने? अभी दिए नहीं है, बाकी है। 16 महीने बाकी है, दे देंगे। आप तो बस ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या दूध मंगाया था? फुर्सत तो मिलती नहीं है आपको। जब वो दूध देना बंद कर देगा उसके बाद आप पैसा दे देंगे। तो क्या आया था क्या दरवाजे पे? हाँ बोल रहा था, तभी तो आपसे कह रहे हैं। चलो बोल देना भाई, कल समझे। तो क्या बोल रहा था? बिजली वाला, बिजली बिल वाला। ये तो राजू का फोन आ गया। हेलो हेलो, हाँ राजू, और क्या हाल है? ठीक है, अपना बताओ। अरे वो जो पैसा दे लिए बोले थे यार। हाँ हाँ, पैसा हो पाएगा? तो घर आ जाओ, हो जाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? चलो हम ठीक है, आ रहे हैं। आ रहे हो ना? हाँ ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, चलो। एक हमारा दोस्त राजू आ रहे हैं, थोड़ा हमारे सही दोस्त करो ना। और ठीक है राजू भाई, आओ बैठो। बड़ा यार परेशानी चल रहे हैं आजकल जो है। बिजली का बिल आ गया, दूध वाला पैसा मांग रहा था, लेकिन आपकी व्यवस्था किए हैं हम बिल्कुल। क्या यार भाई राजू? भाई यार दुकान खोल रहे हैं, पैसा कम पड़ रहा है। अगर पैसा मिल जाता तो काम हो जाता आराम से, दुकान खोल देते। यार भाई इतना जल्दी पूरा व्यवस्था तो नहीं हो पाएगा। 20-25 हजार खो जाएगा, 2-4 दिन बाद आप आइएगा फिर ले जाइएगा। 2-4 दिन बाद हो जाएगा? हाँ हम किसी से कहे हैं, वो देगा अगला आदमी तो आपको दे देंगे। चलिए ठीक है फिर। हाँ सना, अरे पानी लेके आओ, राजू मेरे दोस्त आए हैं। और सब बढ़िया है? हाँ भाई, दुकान खोलने प्लान बना लियो है? क्या करें यार, नहीं खोलेंगे तो कमाई धमाई कैसे चलेगी? ये तो लॉकडाउन को जैसे लोग परेशान हो गए, पैसा आए तो कहाँ से आए। लो पानी पीजिए। यही है आपके दोस्त? हाँ मेरा दोस्त है राजू। लीजिए। शर्मा रहे हो क्या बिस्कुट उस खाने में? खा लो यार भाई। खा तो रही यार भाई। सना जी? जो 25,000 रुपये अलमारी में रखा हुआ है कल वाला जी, दूध का, उसके बाद बिजली वाला रोक दो, इनको जरूरी काम है, दुकान खोलना है जी, इनको दे देना। रुको, हमारा फोन आ गया, इनको दे देना, हम बात कर ले तो बात, ठीक है ना? जी ठीक है। आप बैठिए, पैसा लेकर आते हैं। ठीक। राजू जी, आप इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या करें भाभी? राजू जी आप बहुत अच्छे लगते हैं। ये क्या करें भाभी? देखिए ये सब गलत बात है। इसमें गलत क्या है? ये आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हैं? राजू जी आप समझ क्यों नहीं रहे? क्या समझे, ये सब अच्छी बात नहीं भाभी। अब इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? नहीं मेरा हाथ छोड़ो, हाथ क्यों आप पकड़ रही बार बार? क्यों, मेरे हाथ में कांटे लगे हुए हैं? कांटे लगने की अच्छी बात नहीं है भाभी जी, किसी दोस्त का गद्दारी नहीं करना चाहिए। आप समझिए तो कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अरे तो अच्छे लग रहे हैं ठीक है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? ये सब अच्छी बात नहीं भाभी जी जो आप सोच रही हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप मेरी फीलिंग्स समझ सकते हैं। फीलिंग्स समझ क्या हम समझे, हम नहीं समझ रहे हैं। हाथ पहले छोड़ो, हाथ क्या आप पकड़ लेती हैं? आप कोशिश तो करिए मेरी बात समझने की। अरे भाभी ये सब क्या है आप सोच रही हैं, क्या कोशिश करा रही हैं, ये सब अच्छी बात नहीं होती है भाभी जी। आप इतने दिनों बाद हमसे मिल रहे हैं और अरे तो मिल रहे हैं क्या करें, ये जो आप कर रही हैं अच्छी बात नहीं है। अब क्या आपको मेरे अंदर कोई कमी नजर आती है? नहीं भाभी जी, यार बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी जो आदत है अच्छी बात नहीं है, ऐसे करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप समझिए तो मेरी। अरे क्या समझे हम, आप प्लीज समझिए मेरी फीलिंग को। फीलिंग क्या समझे हम, देखिए भाभी
तुम्हारी भाभी हो, मेरे दोस्त की बीबी हो, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है जो आप सोच रही हो। आप अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या समझाइए, क्या समझाना चाहती हो? यही कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं। पसंद करती हूँ तो क्या हुआ? लेकिन ये सब हाथ मेरा छोड़ो, पहले मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ के बात करिए। आप बताइए क्या क्या सोच रही हो तुम? हम बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं आपके बारे में, आप भी मेरे बारे में वैसा सोचिए। नहीं भाभी जी, जो आप सोच रही हैं मैं ऐसा नहीं, कभी नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी भाभी हो, हमारे दोस्त की बीवी हो, एक दोस्त के साथ विश्वासघात करना बहुत बड़ा पाप होता है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई बात नहीं कर सकता भाभी जी। राजू को पैसा दे दिए? जी दे दिया। क्या राजू भाई पैसा पा गए? हाँ भैया मिल गया। चलो ठीक है, कल परसों आना तो दे देंगे, व्यवस्था करके। हम फोन करना तो आप, ठीक है? ठीक। और बढ़िया है ना? हाँ भैया ठीक। चलो हाँ चलो ठीक है, कल फोन कर देना, हमारे पास आ जाना, बता देंगे। ठीक ठीक ठीक। यार राजू बोला था पैसा लेने के लिए, अभी तक आया नहीं, पता नहीं, फोन लगाते हैं उसके पास, देखते हैं क्या बात है। हाँ राजू, घर पे क्यों नहीं आया यार भाई तुम? अरे यार मुझे क्या बताएं, तुम्हारे घर पे आने बहुत डर लगता है यार। क्यों? अरे भाभी जी जो है ना, वो बहुत कुछ दूसरे निगाह, बहुत दूसरे निगाह देखती है हमको। अरे यार दोस्त ऐसा तो नहीं है यार। हो सकते हो अगर देवर लगते हो, कोई मजाक वजाक ऐसे करती हो। नहीं यार भैया, मजाक करती है ठीक है, लेकिन जैसे मजाक करती है, हाथापाई करती है हमारे साथ, हमारे पास जो पेश आती है ऐसे उनको नहीं करना चाहिए भैया। अच्छा ठीक है, लेकिन आएंगे तो आज आ रहे हो आप? आइए ठीक है आओ। राजू तुम्हारे विषय में बोला, कोई गलत काम की थी क्या उस दिन? हाँ बहुत पकड़ रही थी उसका? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अरे वो तो मेरे देवर लगते हैं, थोड़ा सा मजाक कर लिया होगा। अरे हो गया, मजाक तो होता ही रहता है, देवर जान के मजाक कर रही थी जी। अच्छा गलत समझ लिए होंगे। हाँ देखो अभी चंचल छोटा बच्चा शर्माता है आपके आगे। चलो आता ही होगा, बोला है अभी आ रहे हैं। राजू अगर आए भी आ रहा है हो, उसको पानी पिला देना, चाय पिला देना, उसके बाद जो उसको पैसा दे देना जो दिए हैं बैंक को, ठीक जी? हाँ हम चौराहे सारे थोड़ा जो है प्रधान जी से मिलने आ रहे हैं, प्रधान जी उनको, ठीक आइए। राजू जी आज आपको सबक मिल ही जाएगा। अरे भाभी, ओ भाभी जी। भाई नहीं वहा नहीं, यहाँ बैठिए। भैया कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गए हैं। किसी काम से बाहर गए हैं? क्या वो बहुत शिकायत कर रहे थे आप मेरी? किससे? मेरे उनसे। नहीं मैं उनसे कुछ नहीं शिकायत कर रहा था। क्यों, हमें तो सुनाई थी कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही थी मेरी। नहीं ऐसे तो मैं कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं हम तो कुछ नहीं किए। तो हमें जानते नहीं हूँ। क्या हुआ मेरी? हम क्या जानते हैं आपको? तुम मेरा पर्दाफाश करना चाहते हो ना? नहीं हम तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि हम तुम्हें उल्टा भी फंसा सकते हैं। उल्टा मतलब? क्या तुमने ये दोहा कभी सुना है? क्या? तेरिया चरित्रम दैयो न जानम। इसका मतलब भाभी? इसका मतलब ये है कि जो तुम मेरी असलियत सामने लाना चाहते हो, क्या पता इसका उल्टा हो जाए।
ये क्या तुम बात कर रही हो भाभी, मेरे कुछ समझ नहीं है, उल्टा सीधा त्रिया त्रित्रम क्या है मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हम समझाते हैं तुम्हें। क्या ये क्या कर रहे हो भाभी तुम? राजू काम वो करो जिसमें तुम भी खुश रह सको और हम भी खुश रहे। अरे भाभी तुम क्या है, सोच में कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या तुम कहना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? अरे भाभी ये क्या कर रही हो? अरे भाभी क्या बात है हा? तुम तो बोल रहे थे राजू मेरा दोस्त गड़बड़ा है, लेकिन तुम खुद गड़बड़ हो यार। वाह क्या कर दू किरानी, कि आपका दोस्त कितना घटिया इंसान है। मेरा दोस्त घटिया है जी? अभी आपने देखा नहीं वो क्या कर रहा था मेरे साथ? तुम्हें बताओ जब मेरा दोस्त घटिया होता तो नीचे रहता ऊपर रहता तुम्हारे? आप नहीं समझ रहे हैं। क्या समझा रही हो? वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तो आप तो ऊपर थी ना, नीचे तो थी नहीं, कौन था? नीचे आपका दोस्त था राजू। तो तुम गलत हो राजू गलत है, यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कि निकल जाओ जाओ यार। दोस्त राजू मेरी भी यार बहुत गड़बड़ थी, मैं उसको जो भगा दिया घर से अपने। अरे क्या करूं भैया, मैं फोन पे आपसे बात जान रहे हैं यार। भाई आप अच्छे आदमी, अच्छे इंसान, बचपन से मैं जान रहा हूँ आपको। आप गड़बड़ थोड़ी हो सकते हैं, दोस्ती में थोड़ी दरार पैदा कर सकते हैं। भाई जो हमसे गलती हुई माफ कीजिएगा। चलो उसको जाने दो, उसको लाएगी नहीं घर में अपने, आपकी मर्जी है भैया। और ठीक है? हाँ भैया पैसा मिल गया था ना आपको? हाँ पैसा मिल गया है। चलो हम कल आएंगे तुम्हारे घर। ठीक 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 भाई।